वगैरह डाल देते अपनी मुर्गियों को। मैं जैसे ही फार्म पे आया हूँ वैसे ही मेरे आगे आ गई, मेरे दाने डाल दो, तुमको डाल देते, तुमको आगे भी डाल देते हैं ताकि ये जो आपस में लड़ती है ना वो उधर जाके खा ले। जो लड़ती हमारा बाजरा भी खत्म होने वाला है तो हम ऐसा करेंगे आज ना बाजरा भी लेके आएंगे और इसमें से थोड़ा सा हम अपने ना तोते को भी डाल देते हैं। Assalamualaikum, welcome back to another vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। मैं शमी अहमद गोरी वेलकम करता हूँ आपका अपने इस न्यू व्लॉग में। यार अभी मैंने ना अपनी मुर्गियों को दाना वगैरह डाल दिया, ये देखिए आप, तो इनको मैंने अलग डाला है, उनको अलग डाला है, वो इसलिए डाला है अलग क्योंकि ना फिर ये ना लड़ती है, जो लड़ती है मैंने उनको अलग डाल दिया है। तभी थोड़ा और दाना डाल देते इनको थोड़ा उधर, तो कभी डाल देते यहाँ पे डाल दिया ये। और ये हमने ना स्टिक निकाल ली है, ये फालतू में पड़ी हुई है, तो हमारे तोते जब उस साइड पे जाएंगे ना फिर हम इससे स्टिक को भी निकालेंगे। और जो हमारी ना कैल्शियम वाली टिक्की मिलती है ना तोतों के लिए, बर्ड्स वाले के पास गया था, बजिस वाले के पास जिससे हम अपने खरगोश लेके आए थे, तो उसने मुझे बोला भाई आप मुझसे लेके जाना, आप कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो हम उससे बजिस भी लेके आएंगे एक फीमेल, और हमने ना उसे कैल्शियम वाली टिक्की भी लेनी है। और मैं उसके पास बात करके आया था, पिगन सेलेक्ट करके आ गया था, तो आप चलेंगे आपको सरप्राइज देंगे। आपको एक बात बताऊं, ये वाली जो मुर्गी है ना हमारी, ये सबको मारती है इधर, और वो वाली मुर्गी है ना ये आपस में लड़ती हैं, और ये वाली जो मुर्गी है ना ये जो डरती हैं इस मुर्गी से, ये उसको मारती है, सीन उल्टा है। तो ना सुबह सुबह के वक्त ना हमारे सेटअप पे ना हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा होती है, तो मैं आपको मिलवाता हूँ अभी 007 की बछड़ी से। ये देखिए आप यहाँ पे खड़ी हुई है, तो मिल्किंग हमने स्टार्ट कर दी है वहाँ पे। हम चलते हैं अपनी ना लाडो के पास, वो ना आज मैं आपको बताऊँ बड़े बकरों वाली साइड पे ना बंद है। ये देखें आप यहाँ पे इसको भाई निकालते हैं, और अब्दुल्ला को दोबारा मना करेंगे भाई इसको इधर बड़े बकरों के साथ नहीं छोड़े क्योंकि फिर इसकी टांग को मसला हो जाएगा। तो इसको ना बाहर अपना अभी घास पे निकाल देते हैं, यहाँ पे घास वगैरह खा लेगी, मतलब हमने इसे छोड़ देते हैं, जितना घास खा सकती है ये खा लेती है, और इसकी सेहत हमें देखनी है, बस मेंटेन करके रखना है इसको भी। हमने दो मुर्गे लिए थे ना, ये और ये वाला, अभी ना इनका नाम पता क्या रखना है, एक का नाम है रांझा, एक का नाम है मजनू, ठीक है भाई, रांझा और मजनू, बस ठीक है। सुबह सुबह मेरे दिमाग में ये आया है अभी इनका ये नाम है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि सेटअप पे ना जानवरों के नाम से हम यार बुलाएं, और आपको एक ब्लॉग में भी मैंने सबके नाम बताए होंगे, मेरी ये न्यू है, मैं आपको इनके भी नाम बता देता हूँ, ये रांझा और वो मजनू, रांझा मजनू, बस ठीक है रांझा और मजनू। और हम अपने ना रेबिट्स को देख लेते हैं, ये रहे भाई, ये रहे घास खा रहे हैं, क्या हाल है आपका, सुबह सुबह बंद किया हुआ है, कैसे देख रहे हैं। मैंने इनको ना बंद किया हुआ है इसलिए कि ना ये फिर ना ड्रमों वाली साइड पे चल जाते हैं, यहाँ बकरों वाली साइड पे, तो मैंने इनको बंद किया हुआ है फिलहाल। मैं नहीं खोलूँगा, अभी नहीं खोलूँगा, अभी नहीं खोलता, अभी नहीं खोलता। अभी चलते हैं अपने बजिस के पास, बजिस का थोड़ा सा सेटिंग वगैरह देख लेते हैं। हाँ यार क्या हुआ, मैंने इनको दाना वगैरह डाल दिया है। हमारी जो ना ये जो हीरा है ना, हीरा मतलब माशाल्लाह शौक से दाना खा लेती है, बकाया जो बर्ड्स है बजीज है ना, मैं जब यहाँ पे नहीं होता वो तब खाते हैं, और जब मैंने ये अभी ना नेस्टिंग भी कर दिया फिर भी ये एक भी नहीं कर रहे, तो मुझे भाई ने कहा था आप केलछे वगैरह की टिक्की लें तो ये उसे अंडे जल्दी करेंगे, तो हम ऐसा करते हैं आज जाते हैं और ना बर्ड्स वाले के पास से हम ना बजिस जिसके पास रखे होते हैं, रेबिट्स भी होते हैं, हैंस भी होते हैं, फैंसी हैंस होते हैं, पिगन्स होते हैं, फैंसी पिगन्स होते हैं, तभी चलेंगे उसके पास से, हम कुछ सामान भी लेकर आऊँगे, आपको सरप्राइज भी देना है। इसको देखो यार। तो यार अभी मैं आया था सुबह सुबह, मैंने कहा यार अभी मिल्क वगैरह निकल गया था हमारा, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा मिल्क डाल दो, तो इसको मिल्क दे देते हैं, इसके दो भाई और हैं इसको भी मिल्क दे देते हैं, फिर हम चलते हैं अपने कबूतरों के पास, पहले इनको मिल्क डाल के दे देते हैं। देखें मिल्क मैंने इनको डाल दिया है, और माशाल्लाह ये भूखे थे और पी लिए इन्होंने ना। अभी हम चलते हैं अपने फैंसी पिगन्स के पास, पिगन्स को ना मैंने ना दाना वगैरह भी डालना है, पानी वगैरह भी डालना है, सेटअप पे शिफ्ट करना है लाजमी अपने पिगन्स को, हमने जो हमने ऊपर रखे हुए हैं उनको दाना डाल देते हैं, पानी डालते थे फिलहाल, और न्यू पिगन्स भी लेके आने हमें,
यार अभी ना मैं पिगन्स को ना दाना वगैरह डालने जा रहा था जो हमने ना अपनी बिल्डिंग वगैरह में रख रखे, तो अभी मुझे ना किसी एक दोस्त है मैंने उसे ना पिगन्स का कहा था कि भाई मुझे वाइट पिगन्स चाहिए, तो उसने मुझे कहा था ठीक है भाई मैं आपको देता हूँ। तो दो तीन दिन हो गए उसने मुझे कहा था कि पिगन्स मैं लेके आऊँगा, तो अभी उस भाई की मुझे कॉल आई है, मैं पिगन्स को दाना वगैरह डालने जा रहा था तो आप लेके जाओ, उसने मुझे अभी कॉल की है कि आप लेके जाओ मुझसे, मैं लेके आ जाऊँ, तो अभी चलते हैं उसके पास, मैं बाइक पे जा रहा हूँ और अब्दुल्ला यहाँ पे बैठा हुआ है मेरे साथ। हमें खाद वगैरह भी डालने जानी है ज़मीन में, तो अभी हम जा रहे हैं पहले पिकन्स उसे उठा के अपना शॉप पे रख देंगे, फिर हम उसे ना सेटअप पे लेके जाएंगे बाद में, तो फिलहाल उसे पिकन्स लेके आ जाते हैं दुकान पे रख देते हैं, फिर हम चलते हैं खाद वगैरह डाल देते हैं अपने ज़मीन में। हमें ना भाई ने ये वाला पेड़ गिफ्ट किया, ये फीमेल है ये मेल है ये देखिए, और वो तो हमारे पहले वाले हैं लड़का, तो ये हमारा वाइट कलर वाला पेयर है, ये माशाल्लाह देखें आप गोल्डन आइज़ हैं इनकी, गोल्डन आइज़ हैं और वाइट कलर के पेयर हैं माशाल्लाह, मेल के तो ना पैरों पे भी बाल हैं, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा पेयर है इनका, ये देखिए मैंने इनको ना अभी पानी भी डाल दिया हमारे पिगन्स को, तो अभी चलते हैं खाद डाल के आ जाते हैं अपनी ज़मीन में, अब्दुल्ला बैठा हुआ इंतज़ार कर रहे, चलते हैं। तो यार हमारी जो ये बिल्डिंग है ना इसमें ये देखें आप जंगली कबूतर है, ये जंगली कबूतर है वो हमने अपने लक्का के रखे हुए हैं इन जंगलियों के नीचे, और वो देखो जंगलियों का बच्चा, मतलब कि जंगली जो कबूतर है ना ये बहुत ज़्यादा जल्दी अंडे बच्चे करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ये देखिए आप छोटा सा फिगर, और ये जंगली का बच्चा है जंगलियों का, जंगली कबूतर होता है ना ये उनका बच्चा, ये देखिए आप जो काट के ये जंगली है, ये जंगली कबूतर था, ये भी हमने लक्के के कबूतर के अंडे रखे हुए हैं अपने, और ये भी, और आप इसमें देखें बच्चा बना हुआ है हमारे इस ना अंडे में, तो ना आपको बता दूँ इनके जो अंडे होते हैं ना वो हम ना दूसरी कबूतरों के नीचे रख देते हैं जंगलियों के नीचे, और ना ये जल्दी अंडे बच्चे करते हैं, इसके लिए इसीलिए हमने अपने ना लक्कों के अंडे इन कबूतरों के नीचे रख दिए, क्योंकि ना हमारे लक्का ना कबूतरों के अंडे ख़राब कर देते हैं, तो हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही थी, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, सॉल्यूशन है, आप ब्रीड ले सकते हैं इसके। खैर अभी मैं आ चुका हूँ वापस फार्म पे, और मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए, चेंज कर लिए अपने कपड़े, तो मैं आपको बता दूँ कि ना मैं अभी गया था बाज़ार, तो मैंने ये कैल्शियम वाली लेके आ चुका हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, कैल्शियम की टिक्की होती है ये, कैल्शियम ब्रीडिंग के लिए भी होती है, और ये जो ये वाली ब्रीडिंग के लिए, और ये वाली कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है, ये सिर्फ ये कैल्शियम वाली है सिर्फ, और इसमें ब्रीडिंग और कैल्शियम वाला है, मतलब कि ये हीट पे लेके आते हैं अपने आपके बर्ड्स को, तो हीट में लेके आने में मदद करता है आपके बर्ड्स को ये वाला, तो आप बाज़ार से ले सकते हैं आप अगर 25 के शॉपिंग में, तो आप रखें जरूर। तभी हम पानी वगैरह चेंज कर देते हैं, पानी लेते हैं तो ऐसे उड़ भी जाते हैं छोड़े से नहीं, रख दे फौरन हाथ में खा दे, हमने पानी वगैरह चेंज कर दिया है, तभी हम जाएंगे अब्दुल्ला के साथ खाद वगैरह डालेंगे। यार अभी मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं खाद डालने, और ये देखिए आप ज़मीन है यहाँ पे ना, आगे हमारी ज़मीन है ओ वहाँ पे जहाँ पे आप खंभा देख रहे हैं, तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको वहीं जाके बताते हैं, और इतना ना चलते चलते अब्दुल्ला से बातें करते हैं, अब्दुल्ला मेरे साथ ही है, अब्दुल्ला हाँ पीछे सेटअप पे फार्म पे अब्दुल मोटा है, मोटे को बोलिया है बकरे में घास डालेगा, अच्छा नहीं डाला तो चंद्रा नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, मोटे को हम बोल गए हैं सेटअप पे कि बकरियों को घास वगैरह डाल दे, अभी देखते हैं डालता है या नहीं, अभी फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपना जमीनों पे घास खाद वगैरह देनी है, फिर चलते हैं। यार अभी हम आ चुके हैं खाद डालने ज़मीनों पर, ये देखें आप, और अब्दुल्ला अंदर है वो खाद वगैरह ना मिक्स कर रहा है केमिकल वगैरह, तो ये जो घास वगैरह आप देख रहे हैं ना ये भी छोटा है, तो ये ना बड़ा हो जाएगा जब हम ना खाद वगैरह इसमें डालेंगे, तो अभी ना आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं, अब्दुल्ला खाद मिक्स कर रहा है, अब्दुल्ला के पास चलते हैं अभी। अब्दुल्ला आगे आगे चल रहा है और मैं अब्दुल्ला के पीछे पीछे, वो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला ने मिक्स वगैरह कर लिया खाद, हां नहीं मैं छटी लो मां ये होना मैं छटी लो मां ना मैं ये मथाड़े मैंने छटी है पन्नी थी ये अच्छा इसमें नहीं डालनी छटी नहीं अच्छा, तो अब्दुल्ला ने ना अभी खाद वगैरह मिक्स कर लिया है, और अभी ना हम जा रहे हैं जिस जमीन में हमें खाद वगैरह डालनी है उसमें, ऐसे अब्दुल्ला हां अच्छा इसमें खाद है मिक्स कर लिया हमने, ये आशाब का ये नानू के, ठीक
अब्दुल्ला ने खाद डालना शुरू कर दिया, ये देखें आप। तो मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि पानी है वहाँ पे, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, मगर अब्दुल्ला को आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। अब्दुल्ला ने कई सारे मतलब कि सांप देखे हैं यहाँ पे, देखिए आप। कुछ दिनों में ना, 10-12 दिनों में ये हमारा घास ना बड़ा हो जाएगा, फिर हम इसको ना काटेंगे और अपने ना गायों को डालेंगे, अपने खरगोशों को देंगे, बकरियों को देंगे। तो आपको ना फुल प्रोसेस आपको दिखाएंगे, जब ये 10-12 दिन बड़ा हो जाएगा ना फिर हम दोबारा आएंगे इधर। तो अभी फिलहाल घास डाल रहा है अब्दुल्ला। तो यार अभी ना अब्दुल्ला ने खाद डालना स्टार्ट कर दिया, आप देखें मतलब कि ये सारा एरिया अब्दुल्ला ने खाद डाल दी है। अभी यहाँ पे सारी इसमें खाद डालनी है, बहुत ज़्यादा खाद पड़ी हुई है और दोबारा बनानी पड़ेगी खाद, और फिर हम मतलब कि यहाँ पे ना हमारा 2-3 घंटे लग जाएंगे। ये अब्दुल्ला ना वहाँ पे चला गया, वो देखिए आप खाद डालते हुए, ये सारा एरिया अब्दुल्ला ने कंप्लीट कर लिया। अभी आगे अब्दुल्ला डालता जाएगा एक कुंड तक। आप अभी ना घास वगैरह डालें, मतलब कि ना हमारे ना गर्मियों में घास हमारा ख़त्म ही नहीं होगा, हम ना काटते जाएंगे, मतलब कि 20-25 मन हम डेली का काटा करेंगे घास ये वाला। अभी तो ये बड़ा होगा, 7-8 दिन लग जाएंगे, 10 दिन बड़ा हो जाएगा। लेके आए हाँ, बीमारी या कलर में है ये, या काला तो दवा दी जाए कर। ये काला हो गया है, काला है, देख ले काला, चंकरा देख ले, ये देख काले है, देख। क्या करना है इसका भी? इसका बीमारी है, उसको बताना ये भाई ये बीमारी है ये। तो अभी चलते हैं, अब्दुल्ला आगे आगे, हम अब्दुल्ला के पीछे पीछे, और अब्दुल्ला भी ना खाद वगैरह भरेगा, फिर दोबारा खाद डालना स्टार्ट कर देगा, फिर खाद भरेगा, फिर घास डालना, खाद डालना स्टार्ट कर देगा। तो अभी 2-3 घंटे ऐसे ही जाने वाले हैं हमारे। अब्दुल्ला भी आ रहा है, अभी 5 बज चुके, हम 3 बजे आए थे खाद डालने, तो 2 घंटे में हमने ना पूरे में ना खाद वगैरह डाल लिए। अगर थोड़ी सी रहती है शायद वो डाल रहा है। अब्दुल्ला के पास चलते हैं और आपको बता दें कि ना ये घास हमें ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हम अभी ना घास हमें ना बाज़ार से लेना पड़ता है, फिर हमें बाज़ार से नहीं लेना पड़ेगा, फिर ना हमें ज़मीन से ही मिल जाया करेगा, बस हमें खाद डालने की ज़रूरत होगी। ये रहा अब्दुल्ला घास डाल रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक अब्दुल्ला ने सारा घास डाला है, बड़ी मेहनत लगी है। 2 घंटे से अब्दुल्ला खाद डाल रहा है, और अभी चलते हैं सेटअप पे वापस और अपने ना जानवरों को जाके देख लेते हैं अपने। अब्दुल्ला देखो घास वगैरह में ना खाद वगैरह डाल के आ गया और अपने ना पैर वगैरह साफ कर रहा है, तो मतलब कि जो मिट्टी वगैरह लग गई थी वो साफ कर रहा है। तो अभी चलते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं, बाइक ये खड़ी हुई है ये वाली, तो अभी चलते हैं सेटअप पे। तो यार अभी मैं फार्म पे आ चुका हूँ, अभी सेटअप पे आ चुका हूँ। तो अभी आप देखें सारी गायें हमारे सामने खड़ी हुई हैं, अभी ना इनका मिल्किंग का टाइम हो गया और ये भूखी हैं, घास के लिए खड़ी हुई हैं। और वहाँ से बकरे भी आवाज़ दे रहे हैं यार, छोटी गाभियाँ भी आवाज़ दे रही हैं, वहाँ से बकरी आवाज़ दे रही है छोटी, ये देखें आप सुने, यहाँ से बकरे आवाज़ दे रहे हैं, ये देखें मुल्ला मौलवी साहब आवाज़ दे रहे हैं, भाई आ जाओ हमें खाना डाल दो। सारी गाय हमारी खड़ी हुई है, 35 नंबर खड़ी हुई है, 007 खड़ी हुई है, कनकटी खड़ी हुई है, 10 नंबर, 35 नंबर, सारी गाय हमारी यहाँ पे खड़ी हैं, भूखी है सारी। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, हम खुद ही घास आगे कर देते हैं, ये खा लेंगी फिर शायद, और ये भी नहीं पता शायद अब्दुल्ला ने घास इनका रात के लिए बचाया हुआ, शायद ये खा के खड़ी हो। तो अब्दुल्ला आ जाए फिर हम अब्दुल्ला को बताते हैं भाई ये भूखी है तो क्या करना है। वैसे भी मिल्किंग का टाइम हो चुका है, वंडा खाएंगी अभी ये। अभी चलते हैं हमारे खरगोशों के पास, रेबिट्स के पास, चुनू मैंने खोल दिए थे, तो अभी ना वो वहाँ पे घूम रहे होंगे, तो देखो अब वहाँ पे बैठे हुए शरीफ, हमारे शरीफ ज़ादे दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं दोनों, आज तो मेल फीमेल दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। बस हमारी ना मुन्नी किधर गई, चुनू मुन्नू मुन्नी किधर गई, फीमेल वाइट फीमेल हमारी कहाँ पे गई, यहाँ पे भी नहीं है घास वाले एरिया में, तो अभी कहाँ गई वो। और मैं 2-2.5 घंटे सेटअप पे था नहीं, तो ये हमारी मुन्नी मुन्नू वाइट वाली फीमेल हमारी यहाँ पे भी नहीं है, घर में तो नहीं यार, घर में भी नहीं है यार, कहाँ पे, ओ ये रही, ये देखे यहाँ पे, ये देखे ये रही मुन्नी, ये रही भाई, ये देखे
पता नहीं कहाँ थी, ये रही देखे, ये रही। तो अभी ना हम अपने ना मुर्गियों को भी दाना डाल देते हैं, और तोतों को भी, और अपने खरगोशों को भी घास वगैरह डाल दे। बल्कि ये तो खुले थे, इन्होंने तो खा लिया होगा। बस हमारी ना जो मुर्गी है ना उनको दाना डालना, और पैरट्स को, इसको भी हम खोल देते हैं ताकि ये घास वगैरह खुद खा ले। अभी खोल देते हैं इसे। तो यार हमने ना अभी ना लाडो को खोल दिया है, ये यहाँ पे घास वगैरह खा लेगी। ठीक है, अब घास खा लो, अब घास खा लो, खा लो। इधर नाराज हो क्या आज? असल में आज मैं था नहीं फार्म पे, सेटअप पे था नहीं, क्योंकि हम ना खाद वगैरह डालने गए हुए थे, बहुत सारा दिन मसरूफ थे। तो अभी सेटअप पे आया हूँ, तो ये भी भाव नहीं दे रही है भाई। अभी चिक हैंस मुझे देख रहे हैं, मुर्गियाँ मुझे देख रही हैं। अभी देखें आप भाई, दाना वगैरह डालना है इनको, दाना डाल देते हैं और इनको भी दाना डाल देते हैं। जैसे हमने ना रोज की तरह मिल्किंग वगैरह करके फ्री होके हम आ चुके अपने सेटअप से वापस। तो अभी ना हमने ना सुबह भी डॉग को दूध वगैरह डाल दिए थे। ये देखे, एक ये बैठा हुआ है, एक ये रहा, और एक ये आ गया। तो यार ये बहुत ज़्यादा प्यार करें, तो अभी ना हमने इनको मिल्क वगैरह डाल देते हैं यहाँ पे। ये देखें, मिल्क डाल दे इसमें, मिल्क हमने इनको डाल देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा भूखा है, इनको डाल देते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।